अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मरियम की किचन में मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी। तो आलू की तरकारी में हमें क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। मैं ये घी से बना रही हूँ, आप ऑयल से बनाना चाहें तो उसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। हमने ज़ीरा और लहसुन के कुछ जवे जो है वो चॉप्ड करके इसमें थोड़ा सा सौते कर लेना है। ठीक है जी, सौते करने के बाद जब थोड़ा सा उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो हमें उसमें डाल देना है हरी मिर्चें। बीच में से काट के हम हरी मिर्चों को डालेंगे। हरी मिर्चें इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको कितनी स्पाइसी चीज़ें जो है वो खाना पसंद है। अब जी मैंने इसमें प्याज डाल दी है, एक मीडियम साइज़ की स्लाइस प्याज कट की है और वो डाल दिया है। और अब इसको अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे और इसमें फिर हम एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी इसी तरीके से चॉप करके हम डालेंगे और इतना नहीं हमें गलाना है टमाटर को और प्याज को कि वो जो है वो बन जाए बिल्कुल लाइक सालन। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये चॉप टमाटोज को डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे। अब हम जी सारे आलू को डाल देंगे। आलू मैंने मीडियम 3 से 4 अदद लिए थे तो उसको अच्छे से फाइनली, ज़्यादा बारीक नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरीके से जो है वो कट करके हमने आलू की भुजिया की शेप में जो है उसमें डाल देना है। ठीक है जी, पीसी मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और कवर करके इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल मीडियम आँच होगी तो आलू जल्द से जल्द जो है वो गल जाएंगे आपके। ठीक है जी, तो जी जनाब यहाँ पे हमारी डिश हो गई है रेडी टू गो फॉर ईट नाउ। एंजॉय इट विद पराठा, और नाश्ते के टाइम भी आप खा सकते हैं। अगर दिन में लंच के टाइम आपके पास कुछ नहीं है बनाने को, कोई ना आइडिया आ रहा हो क्या बनाना, तो आप ये बना के आप आराम से दाल और चावल के साथ भी खा सकते हैं। हैव फन। लास्ट में मैं यही बोलूँगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को पूरी तरीके से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।